गाइज 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 यार आज ना माइकल का बर्थडे है और भाई मैं सोच रहा था कि उसे ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए कि भाई वो ना खुश हो जाए। इसलिए भाई मैं ना सिंचैन से पूछता हूँ कि भाई सिंचैन मेरे को ऐसा क्या गिफ्ट देना चाहिए माइकल को जो भाई माइकल खुश हो जाए देखते ही। और भाई सिंचैन मेरे को एक ही चीज बोलता है कि फ्रैंकलिन भैया तुम ना उसे एक कार गिफ्ट कर दो। भाई अब देखो मेरे पास इतना पैसा तो था नहीं कि भाई मैं एक कार बढ़िया सी कार भाई उसे गिफ्ट कर दूं। और वैसे भी भाई उसकी पार्टी जो है ना मतलब माइकल की बर्थडे पार्टी वो कहीं नॉर्मल नहीं होने वाली, वो होने वाली है एक कैसीनो में जो कि भाई अपने लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा फेमस कैसीनो है, उसका नाम है डायमंड कैसीनो। भाई उसके अंदर पूरी की पूरी पार्टी जो है रहने वाली है। और भाई अगर मैं उसे कुछ नॉर्मल सा गिफ्ट दूंगा तो यार वो भी बेकार ही रहेगा, इतनी अच्छी सी पार्टी के अंदर कोई बेकार सा गिफ्ट होगा तो। अब देखो भाई माइकल मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी है तो भाई मेरा हक भी बनता है कि उसे कुछ अच्छा सा गिफ्ट दूं। और जो मुझे सिंचैन ने बोला था वो मुझे काफी ज्यादा सही लगा, इसीलिए मैं कार खरीदने के लिए आ चुका था सिमियोन के कार शोरूम पर। और भाई मैंने ना यहाँ से उससे कार परचेज कर भी लिया। ये वाली कार देखो बारी कितनी मस्त लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है देखने में, इसकी स्किन देखो। और भाई कंट्रोलिंग में भी ये ठीक ठाक है, मैंने टेस्ट ड्राइव कर ली है इसकी। और अभी ना सिमियोन भी अपने घर जा चुका है भाई, क्योंकि माइकल सिमियोन का दोस्त है, मतलब कि भाई ये लोग भी अच्छे खासे दोस्त हैं, तो भाई इसे भी पार्टी का इन्विटेशन मिला हुआ है, इसलिए भाई वो भी अपना तैयारी वगैरह करने के लिए गया है। और ये कार के मैंने पूरे पैसे अभी माइकल को मतलब कि सिमियोन को पूरे पैसे इस कार के अभी मैंने नहीं दिए, क्योंकि भाई मेरे पास अभी थे ही नहीं यार, बाद में दे दूंगा भाई। सिमियोन मेरे को अच्छे से जानता है, उसे घर वगैरह नंबर वाइज सब कुछ है भाई उसके पास, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है। पहले मैं उसके पास काम भी करता था पर लेकिन काम तो मैंने छोड़ दिया काफी टाइम पहले, पर लेकिन हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं तो इसलिए कुछ दिक्कत आने नहीं वाली। और उसने कार दे भी दी है, इस कार के मैंने आधे पैसे दे दिए हैं और ये कार मेरे को पड़ी है भाई पूरे के पूरे $20 मिलियन की। अब मैंने इसके $10 मिलियन तो दे दिया है, चाहता तो भाई मैं $20 मिलियन पूरे के पूरे दे सकता था, पर लेकिन भाई देखो मेरे को भी यार कुछ खर्चे के लिए चाहिए रहते हैं, वरना भाई मैं गरीब हो जाऊंगा तो भाई क्या करूंगा, मैं रहूंगा कहाँ, गिफ्ट के चक्कर में सारे पैसे चले जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं अपने घर पर पहुंचता हूँ और भाई कुछ तैयारी भी करनी हो रही है। यार मेरे को ना एक चीज समझ नहीं आ रही है, ये कार मुझे माइकल को किस तरीके से गिफ्ट करनी चाहिए यार। अगर मैं नॉर्मली ले जाकर दे देता हूँ कि ये ले भाई तेरा गिफ्ट, भाई कुछ मजा नहीं आने वाला, कुछ भी मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ स्पेशल सा तो होना चाहिए भाई। अरे हट जाए यार, बंदे ना एकदम से गाड़ी मोड़ देते, एक तो भाई पता भी नहीं चलता, ना इंडिकेटर दिया ना कुछ दिया। वैसे इंडिकेटर वगैरह तो मैं भी नहीं देता, पर भाई मैं अच्छे से तो चलाता हूँ यार, देखना कितने प्यार से गाड़ी मोड़ूंगा। अबे वो ठोक मत दी, अभी नहीं लेकर आया हूँ। चलो यार अभी फिलहाल मैं घर पर भी पहुंचने वाला हूँ। तो हाँ यार मैं ये बोल रहा था कि यार मैं कैसे किस तरीके से गिफ्ट दो यार। चलो ये भी मैं सिंचैन से पूछ लूंगा, क्या पता वो मेरे को कोई बढ़िया सा आइडिया दे दे। अभी फिलहाल तो भाई मेरे माइंड में कुछ भी आइडिया नहीं है। ये लो भाई अभी फाइनली मैं अपने घर पर भी पहुंच चुका हूँ, ये रहा अपना घर और ये खड़ी अपनी कार और बाइक, लेट्स गो। ये मैंने लगा दी यहाँ पर कार, कार तो भाई एकदम बढ़िया लग रही है, एक बार सिंचैन को भी दिखा देता हूँ या फिर हाँ देखो दिखाई देता हूँ सिंचैन को भी कि भाई ये वाली कार लेकर आया हूँ मैं। सिंचैन है का भाई यहाँ पर, तो चोप है वो खड़ा वहाँ पर। अरे यार पैकली भैया इतनी जल्दी आ गई यार, ले आई के कर। अरे हाँ भाई कार लेकर आ चुका हूँ मैं, अभी देखेगा क्या तू कार या फिर अभी रेडी होना सीधा। अरे यार कार तो दिखा दो कम से कम, मैं भी तो देखूँ यार अपने दोस्त को क्या कार देने वाले। अच्छा तो ठीक है आप भी फटाफट से मेरे पीछे आ भाई, तेरे को कार दिखाता हूँ, तू भी देखियो भाई कार देख के एकदम खुश हो जाएगा। अरे अच्छा क्या यार ऐसी कार लेकर आए हो क्या? हाँ भाई इतनी मस्त कार लेकर आया हूँ मैं, कहाँ रह गया? अरे आ रहा हूँ यार पैकली भैया मेरे पैर में दर्द हो रहा है। पैर में दर्द हो रहा है तो मतलब तू पार्टी में डांस नहीं करने वाला क्या? अरे नहीं नहीं यार मैंने दर्द की गोली ले ली है, अभी ठीक हो जाएगा यार। अच्छा ठीक है तो अभी फिलहाल ये देखिए वाली कार लेकर आया हूँ मैं। अरे यार पैकली भैया एकदम मस्त है ना भाई, एकदम मस्त कार, कुछ भी दिक्कत नहीं है ना इस कार के अंदर? अरे हाँ यार बस चलने में बढ़िया हूँ। अरे भाई मैं चला के लाया हूँ, एकदम मस्त कंट्रोलिंग है, टेस्ट ड्राइव भी ली थी मैंने। अरे यार फिर तो ठीक है, मजा आ गया यार। अभी भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही यार सिंचैन। अरे हाँ बताओ ना भाई, मेरे को ना ये कार माइकल को गिफ्ट करनी है। अरे हाँ मुझे पता ही, मैंने तो बोला था। अरे तो हाँ वो तो ठीक है, मेरी बात तो सुन ले यार। बोलो ना यार। मैं बोल रहा था कि यार माइकल को ये कार गिफ्ट करनी है और भाई किस तरीके से करनी है भाई, मेरे को ये चीज बिल्कुल नहीं समझ आ रही है। अरे इसमें क्या है यार, माइकल अंकल के पास जाओ यार और फिर उनसे बोलो कि यार ये ले ये कार की चाबी। अबे नहीं नहीं भाई बहुत नॉर्मल हो जाएगा भाई, ये क्या सरप्राइज होता है। अरे यार और कैसे बताओ यार, सब लोग ऐसे ही करते हैं। अबे सब लोग ऐसे करते हैं पर लेकिन हमें ऐसा नहीं करना भाई, हमें कुछ स्पेशल सा करना है। अरे यार स्पेशल से क्या बताऊं। अरे गाइस यार अभी सिंचैन को भी समझ नहीं आ रहा है कि यार इस कार को हमें कैसे गिफ्ट करना चाहिए और भाई मुझे तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यार एक बार आप लोग कमेंट में मेरे को बता दो कि यार क्या गिफ्ट देना चाहिए, मतलब कि क्या गिफ्ट तो देना चाहिए वो तो मुझे पता है पर कैसे गिफ्ट देना चाहिए ये वाला मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यार ये बहुत नॉर्मल हो जाएगा अगर मैं उसे चाबी दूंगा भाई। और वैसे भी उसके पास इतना पैसा है कि वो कार वगैरह ऐसे ही खरीद लेगा भाई, डायमंड कैसीनो के अंदर पार्टी हो रही है तो भाई आप लोग गैस कर ही सकते हो उसके पास
कितना ज्यादा पैसा है भाई, ऐसी ऐसी कारें वो भाई यू ही खरीद लेगा। तो इसलिए भाई मैं कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा स्पेशल सा हो जाए तो भाई मजा आ जाएगा। अब स्पेशल सा क्या होगा वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया जल्दी आओ यार, एक आइडिया है ही। मैं कहां से बोल रहा है, ये बाहर ही होगा, एक सेकंड। क्या आइडिया आ गया भाई एकदम से? अरे सुनो सुनो। अरे सुना ना भाई। अरे यार देखो यार, तुम ऐसे गिफ्ट कर सकते हो। कैसे भाई बता तो दे। अभी तुम माइकल अंकल को कॉल करो और उनसे बोलो कि तुम अभी पार्टी में नहीं आ पाओगे। अरे भाई नहीं, मुझे पार्टी में जाना है। अरे हाँ यार जाना तो है, पर लेकिन यार मना कर दो। अरे मना क्यों कर दो भाई, पार्टी में जाऊंगा जब भी तो गिफ्ट दूंगा ना। अरे यार मेरी बात तो सुनो। हाँ हाँ सुनो। अच्छा ठीक है, पहले इसकी बात सुन लेते गाइस यार, फिर देखते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं। पता भाई तू बता पहले। अरे यार पहले उनसे मना कर दो कि यार मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, और माइकल अंकल ना फिर उदास हो जाएंगे, और फिर तुम उनकी पार्टी में जाके उन्हें सरप्राइज कर देना। गाइस यार आइडिया तो इतना ज्यादा बुरा नहीं है, पर लेकिन यार ये करना सही रहेगा। अरे हाँ यार एकदम बढ़िया रहेगा ये, पर लेकिन वो पूछेगा कि क्यों नहीं आ रहा भाई तू पार्टी में, फिर क्या बोलूंगा मैं? अरे तो बोल देना यार कुछ काम है। भाई फिर वो बोलेगा कि मैं तेरा इतना अच्छा दोस्त हूँ, मेरे से बढ़ के तेरे लिए काम हो गया क्या? अरे तो यार कुछ बोल देना, इम्पोर्टेंट काम है। अबे नहीं नहीं भाई सिंचन, कुछ और आइडिया बता यार, वो बुरा मान जाएगा। अरे हाँ यार बुराई तो मन माना है। अरे भाई यार ये क्या बोलना चाह रहा है, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाई। वो गुस्सा और हो जाएगा यार, बात समझ यार सिंचन, वो गुस्सा हो जाएगा भाई मेरे से कि मेरे से मिलने नहीं आया। अरे तो यार हम जाएंगे ना मिलने के लिए, अपना भेज बदल लेना यार, और उनसे बोलना कि ये तुम्हारी कार, उन्हें लगेगा कि ये बंदा कौन है, और फिर तुम अपने रियल भेज में आ जाना, फिर वो एकदम से सरप्राइज हो जाएंगे। ठीक है गाइस यार, वैसे प्लान तो इसका इतना बुरा नहीं है भाई, बढ़िया ही प्लान है। ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं अभी माइकल को कॉल करूं और माइकल को बोलू कि भाई मैं ना अभी तेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, सॉरी यार ऐसे ऐसे करके मैं बोल दूं कि भाई मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो भाई वो मेरे से पूछेगा कि भाई ऐसा क्या काम है तेरे को जो तू मेरे पार्टी में नहीं आ रहा है, हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं, उसे बुरा लगेगा भाई। सीधी सी बात है, अगर मैं उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं आऊंगा, उसका इतना अच्छा दोस्त हो गया, तो भाई उसे बुरा लगेगा यार। फिर उसे लगेगा कि भाई फ्रैंकलिन तो अब नहीं आने वाला, ठीक है, और हम यानी कि मैं भेष बदल कर जाऊंगा और ये वाली कार उसके सामने ले जाऊंगा और उस कार की चाबी उसके हाथ में रख दूंगा, और फिर वो एकदम से कंफ्यूज हो जाएगा कि ये बंदा कौन है, इसे तो मैंने कभी देखा भी नहीं और ये मेरे को कार गिफ्ट कर रहा है, और फिर मैं अपने रियल भेस में आऊंगा तो भाई वो मेरे को पहचान जाएगा, तो शायद से कुछ सरप्राइज तो हो ही जाएगा भाई, वो ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो ठीक ही है यार मेरे दिमाग में, और इससे बढ़िया प्लान कुछ भी नहीं आ रहा अभी फिलहाल। ठीक है लेट्स गो गाइस, अभी मैं पूरा का पूरा रेडी हो चुका हूं और सिंचैन भी पूरा रेडी हो चुका है भाई। अभी मेरा लुक कुछ ऐसा लग रहा है, मेरे को कमेंट में बताना कि भाई मैं कैसा लग रहा हूं अभी, और सिंचैन कुछ ऐसा लग रहा है। अरे है यार फ्रैंकलिन भैया मैं तो एकदम मस्त लग रहा हूं यार, मेरे को भी बताना मैं कैसे लग रहा हूं यार, जल्दी बताओ यार। हां गाइस सिंचैन का भी बता देना, सिंचैन कैसा लग रहा है अभी, चल भाई फटाफट से, काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं हम लोग। अरे हाँ यार जल्दी चलो रे। आ जा सिंचैन, कहाँ रह गया भाई? अरे आ गया भाई आ गया, जल्दी बैठ यार, इतना टाइम नहीं है भाई। टाइम बताओ क्या हो गया अभी भाई, ये देखो 10 बजने वाले हैं भाई, 9:30 बजे तक हमें वहाँ पर पहुँचना था यार। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल वहाँ पर पहुँच जाएंगे हम डायमंड कैसीनो में, और भाई वहाँ पर हमें लेस्टर भी मिलने वाला है, सिमियोन भी मिलने वाला है, ट्रेवर भी मिलने वाला है, और लेमार, हाँ लेमार भी मिलेगा, और कौन होगा भाई, और तो अपने बेस्ट फ्रेंड, बस यही बेस्ट फ्रेंड है भाई मेरे तो, मैं इन्हीं को जानता हूँ, और माइकल के गेस्ट होंगे जो भी होंगे बाकी वहाँ पर। लेट्स गो भाई अभी फटाफट से चलते हैं। यार फ्रैंकलिन भैया यार मजा तो आएगा ना यार वहाँ पर? अबे हाँ भाई मजा आएगा, और भाई तेरे दोस्त भी आएंगे क्या, मुझे नहीं पता भाई। अरे यार कोई बात नहीं, जिमी तो होगा ना? हाँ जिमी तो हो गई भाई, भाई माइकल का लड़का है तो वो क्यों नहीं आएगा अपने पापा के बर्थडे में। अरे हाँ यार फिर तो ठीक है, मैं उसी के साथ खेल लूंगा। हाँ ठीक है भाई उसी के साथ खेल लियो, पर लेकिन थोड़ा संभल के, क्योंकि भाई वो बहुत ही ज्यादा शैतान है भाई, वो सारे के सारे उल्टे सीधे काम करते रहता है। अरे यार ये बात तो सही बोल रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखियो तुझे ना फंसा दे वो। अभी तो ये माइकल के घर के सामने आ चुके हैं हम लोग, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, वो लोग भाई पहुंच चुके होंगे कब के डायमंड कैसीनो पे। अबे यार नुकसान और हो गया भाई। अरे यार फ्रैंकलिन भैया यार इसने तो ड्राइवर जला दिया यार पूरी कार में। अबे हाँ यार अभी ये गाइस मेरे को रिपेयर करानी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास थोड़े पैसे पड़े हुए हैं तो भाई इसको रस्ते में रिपेयर करा लेंगे। अभी फटाफट से मैं डायमंड कैसीनो के लिए निकलता हूँ, मतलब रिपेयर कराने के बाद डायमंड कैसीनो के लिए निकलता हूँ। भाई पूरी गाड़ी का इंजन पंजर हिला दिया यार एक ही ठोकर में। तो गाइस यार फिलहाल मैं अभी डायमंड कैसीनो पे पहुंचने वाला हूँ, वो रहा भाई सामने डायमंड कैसीनो। ओए भाई बच गया बच गया, मुझे लगा भाई ये कार फिर से ठुकने वाली है। और भाई मैं बता दूं आपको कि मैंने कार पूरी की पूरी रिपेयर करा लिया भाई फिर से, यहाँ पर थोड़ा सा खर्चा आया इसमें फिर से यार, रिपेयर कराने में भी थोड़ा खर्चा आ गया यार मेरा। चलो कोई बात नहीं भाई, रिपेयर तो करा नहीं थी, अब भाई डेंट वाली कार थोड़ी ना गिफ्ट करता मैं। ये लो भाई अभी फिलहाल डायमंड कैसीनो में पहुँच चुके हैं,
लेट्स गो। यहाँ पर हम डायमंड कैसीनो के अंदर एंटर कर चुके हैं और भाई मेरे हिसाब से गाड़ी में यहीं पे लगा दूँ या पार्किंग में लगाऊँ। यार पार्किंग तो मुझे पता है पूरी भरी पड़ी होगी, यहीं पे लगा देते हैं एक तरफ, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। और यहाँ पर ये देखो एक लिमोजिन खड़ी हुई है। और गाइस यार मुझे 100% कंफर्म है कि भाई इस लिमोजिन में माइकल एंड माइकल की फैमिली आई होगी। अरे हाँ यार पेगली भैया वही लोग आए होंगे यार, और कौन आए गए? आ जा भाई सिंचन अंदर चलते हैं फटाफट से, लेट्स गो गाइस। ये लो गाइस यार अभी हम डायमंड कैसीनो के अंदर एंटर कर चुके हैं और भाई यहाँ पर कुछ ज्यादा पब्लिक नहीं है। अरे हाँ यार इतनी पब्लिक होगी भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक जब रहती है जब यहाँ पर कोई बर्थडे पार्टी नहीं हो रही होती, क्योंकि भाई बर्थडे पार्टी में ज्यादातर बंदे नहीं आ रहे होते। क्योंकि गाइस यार आज के दिन ये जो डायमंड कैसीनो है ना वो बस सिर्फ और सिर्फ बर्थडे पार्टी के लिए खुला हुआ है, जिसके पास इन्विटेशन होगा वही वहाँ पर आ पाएगा, उसके अलावा कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं आ सकता। और माइकल किधर है? ये रहा भाई ट्रेवर तो मेरे को मिल गया। और भाई ट्रेवर क्या हाल है? अरे फ्रैंकलिन इतना लेट कैसे हो गए? अरे भाई यार बस वो थोड़ा ऐसे ही था। और गाइस यार मैं आपको एक चीज बताना भूल ही गया कि भाई आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं इतना अच्छा प्लानिंग कर रहा था कि मतलब कि माइकल को कोई ऐसे अच्छे से गिफ्ट करेंगे कार को, और भाई मैं ऐसे ही आ गया कि भाई मेरे पास टाइम था नहीं, मैं लेट हो रहा था, इस वजह से भाई मैंने सोचा कि ऐसे नॉर्मली चीज ले जाकर दे देंगे। और भाई तू क्या गिफ्ट कर रहा है माइकल को? अरे भाई मेरे पे तो पैसा ही नहीं है, मैं क्या गिफ्ट करूंगा? भाई झूठ मत बोल, पैसा तो तेरे पास बहुत है बस तू दिखाता नहीं है। अरे लेस्टर भी, अरे माइकल की फैमिली पूरी की पूरी यहीं खड़ी हुई है। अरे तूने देखी नहीं थी क्या? अरे नहीं नहीं भाई मैंने अभी अभी देखी है। और लेस्टर भाई? अरे फ्रैंकलिन आ गई क्या यार? अरे हाँ भाई अभी अभी आया हूँ। अच्छा तो लेट कैसे हो गए? अबे भाई यार वो बस ऐसे ही कुछ काम था इस वजह से लेट हो गया। और माइकल क्या कर रहा है ये? अरे यार स्पिन घुमा रहा था काफी देर से, कुछ निकल ही नहीं रहा है। नहीं निकल रहा तो छोड़ ना भाई। वही तो मैं भी इतनी देर से बोल रहा हूँ यार। अच्छा भाई यहाँ पर ये माइकल खड़ा हुआ है, ये अमेंडा है, अमेंडा ही है ना? हाँ भाई ये अमेंडा है, ये ट्रेसी है माइकल की लड़की, और ये माइकल का लड़का जिमी। अरे सॉरी सॉरी भाई सॉरी, तुम लोग एंजॉय करो। गाइस यार इन लोगों को करने देते हैं ये लोग जो भी कर रहे हैं। तो भाई बस गाइस यार आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जोर से लाइक कर देना, जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर देना। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।